इस कहानी की शुरुआत में हमें जेक नाम के जीवाश्म विज्ञानी को दिखाया जाता है जो अपने नेफ्यू रिकी और जेट के साथ जंगल में डायनासोर के फॉसिल खोजने जा रहा था। मगर इसमें रिकी की कोई दिलचस्पी नहीं होती बल्कि वो मजबूरी में उनके साथ आया होता है क्योंकि उसके मॉम डेट किसी काम से बाहर गए थे। जेक रिकी को डायनासोर का एक दांत देते हुए बताता है कि यह दांत गोर्गोसोरस का है। जेट इससे खुश होती है क्योंकि उसे डायनासोर में बहुत दिलचस्पी होती है मगर रिकी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए अपने अंकल और जेट के साथ नहीं जाता और कार के पास ही रुकता है। तभी रिकी के पास एक कौवा आता है जो रिकी से बात कर पा रहा था। इससे रिकी बहुत हैरान होता है। क्रो से बताता है कि हर फॉसिल की एक कहानी होती है जैसे इस दांत की एक शानदार कहानी है। रिकी उस गोर्गोसोरस दांत को उठा लेता है। क्रो से बताता है कि इस दांत से एक ऐसी खिड़की खुलेगी जिससे तुम बीते हुए वक्त को देख पाओगे जब पृथ्वी पर डायनासोर घूमते थे और अब वो क्रो भी अपने पूर्वज पक्षी एलेक्सजोर्निस में बदलकर वहाँ से उड़ जाता है और हमें 7 करोड़ साल पहले यानी कि लेट क्रेटेशियस काल के आखिरी दौर का समय दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स डायनासोर के मुंह में लगी चीजों को खाने लगता है। लेकिन तभी डायनासोर उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और एलेक्स उसे बताता है कि कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त पेची की है जो कुछ ही दिनों पहले अंडे से निकला होता है जो एक पेकी राइनोसोरस प्रजाति का डायनासोर था। पेची की माँ उन सभी के लिए खाना लेकर आती है क्योंकि पेकी राइनोसोरस सिर्फ घास खाते थे मगर पेची बहुत छोटा होता है इसीलिए उसके भाई बहन उसे सबसे बाद में खाना खाने देते हैं। लेकिन पेची भी खाना खाना चाहता है इसीलिए अपने घोंसले से निकलकर बाहर पड़े खाने को बड़ी मजे से अपने दोस्त एलेक्स के साथ खाने लगता है। मगर तभी वहाँ ट्रूडोन प्रजाति का डायनासोर पेची पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो डायनासोर सिर्फ मांस खाते थे। मगर तभी पेची के डेड बुलडश वहाँ आकर ट्रूडोन का रास्ता रोक लेते हैं जिससे पेची की जान बच जाती है। मगर पेची के फील्ड्स में एक छेद हो जाता है और पेची दूर गिरने की वजह से जंगल में आ गया था जहाँ अलग अलग चीजों को देखता है। उसे बहुत बड़ा डायनासोर दिखाई देता है जिसका नाम ऐंक्लोसोरस था। पेची समझ जाता है कि वो डायनासोर बड़ा होने की वजह से खतरनाक हो सकता है इसीलिए जंगल से बाहर आ जाता है जहाँ वो पहली बार इस खूबसूरत दुनिया को देखता है। चारों तरफ डायनासोर होते हैं और उसे 3 हेस्पेरोनिक्स डायनासोर दिखाई देते हैं जो एक जानवर को परेशान कर रहे थे इसीलिए पेची उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। तो पेची पर ही हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं लेकिन तभी पेची की माँ वहाँ आकर उसे बचा लेती है और अब इस प्रकार पेची अपने रोमांचक सफर को कर वापस घोंसले में लौट आता है और अब ऐसे ही वक्त बीता रहता है। पेची बड़ा होने लगता है। वो अपने भाई स्कॉलर की तरह एक छोटे पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके पत्ते खा सके लेकिन इसमें कामयाब नहीं होता। फिर दिखाया जाता है कि पेची अब और ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसके फील्ड्स का होल भी बड़ा हो गया था। वो देखता है कि उसके डेड बुलडश के बीच फाइट हो रही थी क्योंकि पेची के डेड झुंड के लीडर होते हैं और मेजर नाम का पेकी राइनोसोरस उन्हें चेतावनी दे रहा था लेकिन वो बुलडश से नहीं जीत पाता। एक दिन जब पेची तितलियों का पीछा कर रहा था तो खेलते खेलते एक झरने किनारे पर आ जाता है जहाँ उसे एक दूसरे झुंड की बेबी पेकी राइनोसोरस मिलती है जिसका नाम जूनिपर था। जूनिपर को पेची के सर का होल अच्छा लगता है जिससे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर तभी जूनियर की माँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि उनके झुंड का रूल था कि वो दूसरों के झुंड वालों से नहीं मिल सकते। अगले दिन भी पेची जूनिपर से मिलने के लिए वापस उस झरने के पास आता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। मगर पेची हिम्मत नहीं हारता और लगातार एक हफ्ते से उस झरने के पास आता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जूनिपर उससे मिलने आएगी लेकिन जूनिपर वहाँ नहीं आती। एलेक्स पेची को बताता है कि जूनिपर अब नहीं आएगी क्योंकि अपने झुंड के साथ माइग्रेशन की वजह से साउथ की तरफ गई है क्योंकि अब गर्मियाँ खत्म होने के साथ ही खाने की चीजें भी खत्म होती जा रही थी इसीलिए अब धीरे धीरे सभी बर्ड और जानवर साउथ की तरफ जा रहे थे। पेची की जूनिपर से मिलने की बेचैनी बढ़ने की वजह से वो बार बार अपनी माँ से कहता है कि हम साउथ की तरफ कब चलेंगे। तभी बुलडश चलने का इशारा कर देते हैं जिससे अब उनका पूरा झुंड साउथ की तरफ माइग्रेशन के लिए आगे बढ़ने लगता है। एलेक्स भी पेची की पीठ पर ही सफर कर रहा होता है क्योंकि इससे उसे खाने को कीड़े मिल जाते और पेची को कीड़ों से राहत। अब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो अलास्का के अंदरूनी से में पहुंच जाते हैं लेकिन तूफान आने लगता है इसीलिए सभी पेकी राइनोसोरस जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर बिजली गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा जंगल आग की लपेट में आ गया इसीलिए पेची के डेड अपने झुंड को लेकर जंगल से भागने लगे। पेची बहुत डरा हुआ था और उसे पता नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी किस्मत बदलने वाली है। बुलडस्ट अपने परिवार के साथ लगातार
लगातार जंगल से बाहर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहाँ बाहर शिकारी डायनासोर मौजूद थे जो बेसब्री से शिकार की तलाश में है। ये देखकर बुलडस्ट अपने परिवार को लेकर दूसरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पेची अपने भाई स्कॉलर के साथ पीछे फंस जाता है। बुलडस्ट उन्हें बचाने आते हैं, मगर इससे पेची की माँ उनसे बिछड़ जाती है और उन्हें गोर्गोसोरस डायनासोर घेर लेते हैं। ये देखकर पेची की माँ बुलडस्ट को आवाज लगाती है जिससे उस तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर पेची और उसका भाई स्कॉलर फिर से अकेले रह जाते हैं और एक गोर्गोसोरस डायनासोर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आने लगता है। लेकिन तभी बुलडस्ट वहाँ आकर उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन गोर्गोसोरस इतना ताकतवर था कि बुलडस्ट उसे जीत नहीं पाते। पेची और स्कॉलर के सामने ही उसके डेड मारे जाते हैं, इससे वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। सुबह जब आग शांत होती है तो जंगल में अकेले बचे थे, तभी उन्हें मेजर दिखाई देते हैं जो अब बुलडस्ट के गुजर जाने पर वो झुंड के लीडर बन गए थे। पेची को कुछ दूरी पर झुनी पर भी नजर आ जाती है और पेची उसका पीछा करने लगता है। स्कॉलर भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पेची के सर में होल होने की वजह से सीटी बजने लगती है क्योंकि वहाँ हवा चल रही थी। जूनीपर भी इस बात को नोटिस करती है और यह आवाज उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी जूनीपर की मोम वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब वो ऐसे ही आगे साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन गोर्गोसोरस प्रजाति के सबसे खतरनाक प्रीडेटर की नजर उन पर थी। गोर्गोसोरस बहुत ही ताकतवर खुकार डायनासोर थे जिनके आगे के दो हाथ छोटे हुआ करते थे और इन्हें बहुत भूख लगती थी, इसीलिए गोर्गोसोरस झुंड में पेगी डायनासोरस को शिकार बनाने का मन बना लेता है जिससे उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ये देखकर सभी पेकी राइनोसोरस वहाँ से भागने लगते हैं, मगर गोर्गोसोरस बहुत ही चालाकी से कमजोर और बेबी पेकी राइनोसोरस को झुंड से अलग कर देते हैं, जिसमें पेची स्कॉलर और जूनीपर भी थे। वो लगातार उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे जिससे डरकर जूनीपर पानी में गिर जाती है और बहाव के साथ ही डूबने लगती है। पेची और स्कॉलर भी फिसलते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो भी पानी में डूबने लगते हैं और वो तीनों ऐसे पानी में डूबते हुए अपने झुंड से दूर आ जाते हैं। पेची बेहोश होता है, लेकिन एलेक्स उसे होश में ले आता है। पेची को स्कॉलर और जूनीपर भी नजर आ जाते हैं। जूनीपर के पैरों में मोच आने की वजह से वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। जूनीपर पेची को बताता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। पेची भी कहता कि मैं भी तो भूखा हूँ। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है क्योंकि वहाँ से विशाल का एटमॉस्फेरस गुजर रहे थे। पेची समझ जाता है कि वो जरूर खाने की तलाश में जा रहे होंगे, इसीलिए जूनीपर पेची और स्कॉलर भी उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जूनीपर के पैर में मोच आने की वजह से वो ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पेची भी उसके साथ वहीं रुकता है, मगर उसका भाई स्कॉलर उनके लिए नहीं रुकता और एडमोनसोरस के साथ ही तेजी से आगे निकल जाता है। जूनीपर को नींद आ जाती है, मगर अब कुछ ही देर बाद अंधेरा होने वाला था, इसीलिए पेची उसे चलने को कहता है और अब वहाँ लेरे भी तेजी से बढ़ रही थी। तभी कुछ केकड़े वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें एक एक करके पेची और एलेक्स वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ उड़ते हुए डायनासोर आ जाते हैं जिनसे पेची और जूनीपर डर जाते हैं, मगर वो डायनासोर सिर्फ केकड़ों का शिकार करते थे। अब पेची और जूनीपर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, वो दोनों काफी डरे हुए थे। तभी रास्ते में चिरोस्टी नोटिस डायनासोर इन्हें परेशान करने लगते हैं, मगर पेची हिम्मत करके उनका मुकाबला करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ वो खूबसूरत आसमान को देखते हैं। फिर आगे बढ़ते बातें करने लगते हैं, उन्हें अपने परिवार के झुंड दिखाई देते हैं जिससे वो दोनों खुश होते हैं और अब वो दोनों मस्ती करते हुए उनके पास आ जाते हैं। और अब कई महीनों बाद फिर से सूर्य उदय होता है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है क्योंकि अब सर्दियां खत्म हो गई थी, इसीलिए अब सभी डायनासोर वापस नॉर्थ की तरफ लौट रहे थे। अब मेजर भी सभी को वापस चलने के लिए आवाज लगाता है और सभी वापस से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे और अब ऐसे साल बीते रहे और वो हर साल माइग्रेशन करते रहे, यानी कि हर साल दक्षिण जाते और वापस उत्तर की तरफ लौट आते। अब पेची भी बड़ा हो चुका था और उसके सर का होल भी काफी बड़ा हो गया था। एलेक्स पेची को कहता कि तुम्हें अब जूनीपर को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए क्योंकि सर की टक्कर का सीजन शुरू हो चुका है। तो पेची उसे कहता कि मुझे सीजन अच्छा नहीं लगता क्योंकि सीजन सभी एडल्ट पागल हो जाते हैं और गुर्राते हुए एक दूसरे से सर टकराते हैं। पेची जूनीपर के पास जाता है और जूनीपर उसे कहती है कि मेजर टक्कर मारने के मुकाबले के लिए सभी को चेतावनी दे रहा है और जो उसे हराएगा वो हमारे झुंड का नया लीडर होगा। तो पेची उसे कहता कि मेजर बहुत विशाल है, इसीलिए मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, मगर तभी वहाँ स्कॉलर आ जाता है जो मेजर को चेतावनी देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, इसीलिए बड़ी आसानी से मेजर को हराकर नया लीडर बन जाता है। पेची से खुश होता है और उस
उसकी तारीफ करता है कि तुम जीत गए, तो स्कॉलर उसे कहता कि मैं अब तुम्हारा भाई नहीं बल्कि झुंड का लीडर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो पेची को जूनिपर से अलग कर देता है और अब वो माइग्रेशन के लिए निकलते हैं। मगर स्कॉलर नया लीडर होने की वजह से पूरे झुंड को अलग दिशा में लेकर जाता है, जहाँ एक बर्फ में जमी लेक को पार करने लगते हैं। मगर ज्यादा वजन की वजह से बर्फ टूटने लगती है। स्कॉलर सभी पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें जल्दी चलने को कहा था, और वो सभी को आगे बढ़ते रहने को कहता है। मगर पेची समझ जाता है कि अगर वो आगे बढ़े तो ठंडे पानी में डूब जाएंगे, और अब वो सभी को वापस पीछे के रास्ते पर चलने को कहता हुआ किनारे पर ले आता है, जिससे पूरे झुंड की जान बच जाती है। और अब पेची एक अच्छे लीडर की तरह सभी को सही रास्ते पर लेकर जाने लगता है। वो पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कॉलर इससे खुश नहीं होता क्योंकि सभी पेची की बात मान रहे थे, इसीलिए स्कॉलर पेची से कहता कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि रूल तोड़ने के क्या नतीजे होते हैं। मगर पेची उसकी बात नहीं सुनता और पूरे झुंड के साथ आगे बढ़ता रहता है। वो जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी स्कॉलर भी वहाँ पर आ जाता है, जो पेची से कहता कि अब हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। मगर पेची उसे लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए आगे बढ़ने लगता है। तो स्कॉलर उसे कहता कि तुमने मेरा झुंड चुराया, मुझसे मेरी दोस्त छीनी, इसीलिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तो पेची उसे कहता कि तुम झुंड वापस ले सकते हो मगर जूनिपर मेरे साथ रहेगी। और अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। मगर स्कॉलर बहुत ताकतवर था, इसीलिए पेची उसे नहीं जीत पाता और गिरकर एक पेड़ के नीचे दब जाता है। अब स्कॉलर उसे झुंड से निकाल देता है और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। जूनिपर पेची की मदद करने जाने लगती है लेकिन स्कॉलर उसे रोक लेता है। पेची दिन भर बेहोशी पड़ा रहता है। रात को एलेक्स उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन पेची बहुत निराश था। मगर तभी स्क्लेंजर डायनासोर वहाँ पेची को खाने आने लगते हैं। एलेक्स पेची को उठने को कहता है तो पेची उसे कहता है कि मैं इसी लायक हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं स्कॉलर को लड़ाई में हरा दूंगा और जूनिपर के साथ रहूंगा। तभी वहाँ दूसरे डायनासोर भी पेची को खाने आने लगते हैं। एलेक्स पेची को समझाता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने डेट की तरह किसी मकसद के लिए मरो, वो तुम्हारे लिए मरे थे पर तुम्हें जूनिपर के लिए जिंदा रहना होगा। पेची भी उसकी बात समझ जाता है और वो हिम्मत करके वापस उठ जाता है और सभी डायनासोर को वहाँ से भगा देता है। अब पेची नए जोश के साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो जूनिपर को ढूंढ सके। वो लगातार चलता जाता है जिससे वो कुछ ही घंटों में अपने झुंड के पास पहुँच जाता है। तभी उसे जूनिपर भी नजर आ जाती है। जूनिपर भी उसे देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब पेची जूनिपर से अपने दिल की बात कह देता है मगर पेची राइनोसोरस का पूरा झुंड वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो गोर्गोसोरस का इलाका था। पेची देखता है कि उसके भाई स्कॉलर पर एक गोर्गो ने हमला कर दिया है और स्कॉलर उसे जीत नहीं पा रहा होता। स्कॉलर पेची से कहता कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो पेची उसे कहता कि हम भाई हैं। मगर स्कॉलर उसे कहता कि तुम्हें झुंड को बचाने के लिए यहाँ से लेकर जाना होगा। तभी बाकी गोर्गो भी वहाँ आने लगते हैं। इससे पेची को अपने बचपन की बात याद आती है कि कैसे उसके डैड ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसीलिए पेची भी अपने भाई को बचाने के लिए पूरे झुंड के साथ उन गोर्गो पर हमला कर देता है, जिससे दोनों झुंड में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। पेची गोर्गो के लीडर से लड़ने लग जाता है मगर वो बहुत ताकतवर था। मगर किस्मत से उस गोर्गो का हाथ पेची के छेद में फंस जाता है जिससे पेची उसका हाथ तोड़ देता है। इससे गोर्गो दस से चिल्लाने लगता है और पेची जोर जोर से गोर्गो पर हमला करने लगता है जिससे उस गोर्गो के दांत टूट जाते हैं और उनमें एक वही दांत होता है जो कहानी की शुरुआत में रिकी के पास था। और अब पेची का पूरा झुंड उन गोर्गो को बुरी तरह से हरा कर वहाँ से भगा देता है। स्कॉलर को यकीन नहीं होता कि पेची ने उसकी जान बचाई और अब पेची झुंड का नया लीडर बन जाता है। अब कुछ सालों बाद पेची और जूनिपर के बच्चे होते हैं जो अभी अंडे में थे और पेची कब से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक बच्चा अंडे से बाहर निकल आता है जो बहुत क्यूट था। एलेक्स भी वहाँ जाता है और उस बेबी का नाम एलेक्स रखता है क्योंकि उसका नाम भी एलेक्स था। और अब एलेक्स वहाँ से उड़ते हुए बताता है कि भले ही अब पेची कहानी इतिहास में कहीं खो चुकी हो लेकिन उस दिन का सबूत आज भी मौजूद है जब एक पेकी राइनोसोरस का सर एक गोर्गोसोरस के मुंह से टकराया था। ये सब देखकर रिकी भी अपने अंकल और अपनी बहन जेट के पास आ जाता है जहाँ उन्हें गोर्गो का फॉसिल मिला था। और जब रिकी उस दांत को उस गोर्गो के मुंह में लगाता है तो उसी गोर्गो का दांत था जिसे पेची ने हराया था। तभी रिकी को आसमान में एलेक्स दिखाई देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सभी
सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।